गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स ऑफ सरस्वती विद्या मंदिर कॉमर्स सेक्शन क्लास 11 सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स चैप्टर 3 थ्योरी ऑफ डिमांड। इन प्रीवियस वीडियो वी डिस्क्राइब द डिमांड फंक्शन एंड डिमांड शेड्यूल इन विच वी स्टडी अबाउट इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल एंड मार्केट डिमांड शेड्यूल एंड वी नो दैट after the discussion that market demand schedule is steeper than market demand schedule is flatter than individual demand schedule. Individual demand schedule is a steeper demand schedule because it gets less affected by elasticity of demand, while the market demand curve is more affected from elasticity of demand. Movement along the demand curve. In this video, we are going to discuss on the two points, movement along the demand curve and shift in demand. Movement along a demand curve is also known as expansion and contraction in demand. It is a special case of demand, and in most of examination, this question was asked in 3 marks, movement along a demand curve or कभी कभी इसको बदल के दे देता है कि व्हाट डू यू मीन बाय एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड, मांग में संकुचन एवं मांग में विस्तार। तो इसको हम लोग को जानना है, मूवमेंट अलोंग ए डिमांड यानी एक मांग वक्र के साथ चलन, ये इसकी खासियतें दो हैं, द मेन फीचर्स ऑफ मूवमेंट अलोंग ए डिमांड कर्व, दैट इज कि ये एक ही मांग वक्र पर होता है, इट हैपन ऑन सेम डिमांड कर्व and it happen only due to change in the price of the good while other factors remain constant. yani yadi anya sabhi karak factors constant ho, yatha consumer's income, price of substitute goods, habit, trend, fashion, if it's all going to be constant, then if there is only change in price of the good, then the consumer's demand will get changed. Whenever there is higher the price, the consumer's demand less quantity, and due to a upward movement on demand curve is shown, and that is known as contraction in demand. And whenever there is a decrease in price, then a consumer move downward on a demand curve, and that is known as expansion in demand. तो इसको हम लोग दो केसेस में देखेंगे, एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन आर टू डिफरेंट केसेस. एक्सपेंशन इज द केस व्हेन प्राइस डिक्रीजेस एंड क्वांटिटी इंक्रीजेस, एंड इन दीज टर्म्स कंज्यूमर ट्रेवल डाउनवर्ड ऑन ए डिमांड कर्व लाइक ए टू बी, यहां जो ए से बी की ओर जा रहा है, तो यहां आप देख रहे हैं कि डिमांड कर्व है और प्राइस जब P1 से P0 को आया तो डिमांड जो है कंज्यूमर जो है वो डिमांड कर्व पे मूवमेंट किया ए से बी की ओर, और उसकी डिमांडेड क्वांटिटी ओ क्यू से बढ़कर ओ क्यू 1 हो गई. तो इसको जब ए से बी की ओर आना जो है प्राइस डाउन होने के कारण जो क्वांटिटी बढ़ा है, इसको हम लोग एक्सपेंशन इन डिमांड कहते हैं. ये केवल कीमत में परिवर्तन के कारण हुआ है, और यहां पे अन्य सभी अदर फैक्टर्स जितने भी हैं, ऑल अदर फैक्टर्स लाइक इनकम ऑफ द कंज्यूमर, प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स, फैशन, ट्रेंड, हैबिट, इट्स ऑल गोइंग टू बी कांस्टेंट. तो दैट इज नोन एज एक्सपेंशन इन डिमांड. इफ इन अनदर केस, ये दूसरा केस है, ये पहला केस हो गया मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व का. ये दूसरा केस में यदि प्राइस में इंक्रीज होता है, if there is increase in price and due to that increase in price consumers demanded quantity gets shrunk from OQ1 to OQ, और इसके कारण वो वस्तु की कम मात्रा मांगता है और वो B पॉइंट से A पॉइंट की ओर इन डिमांड कर पर वो ऊपर की ओर B से A की ओर आता है, और इस ये जो क्वांटिटी डिमांडेड में जो कमी आई इसको कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड कहते हैं ड्यू टू इंक्रीज इन प्राइस. तो कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड एंड एक्सपेंशन इन डिमांड, तो ये दोनों केसेस जो है
यानी डिमांड में कॉन्ट्रैक्शन होना, संकुचन होना, और डिमांड में एक्सपेंशन होना, विस्तार होना. बोथ दीज टू केसेस इज द केस ऑफ मूवमेंट अलोंग अ डिमांड कर्व और एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड. इसको आपको क्वेश्चन में, बोर्ड एग्जामिनेशन में 3 नंबर के क्वेश्चन में ये अलग अलग भी आ सकता है और यह पूरा मूवमेंट अलोंग अ डिमांड कर्व आ सकता है. तो इसमें यही बात जानना है कि मूवमेंट अलोंग अ डिमांड कर्व जो है एक मांग वक्र के साथ चलन, यानी इसमें एक ही डिमांड कर्व पर हम मूव करते हैं ऊपर नीचे प्राइस में कमी और वृद्धि होने के कारण. वेन एवर देर इज डिक्रीज इन प्राइस देर मस्ट बी एक्सपेंशन इन डिमांड एंड वेन एवर देर इज इंक्रीज इन प्राइस देर मस्ट बी ए कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड. इसमें दो जो इसके फीचर्स है मोस्ट इम्पॉर्टेंट वो ये है कि ये एक ही मांग वक्र पर घटित होता है और केवल कीमत में होने वाले परिवर्तन के कारण होता है. अब दूसरा शिफ्ट इन डिमांड, दूसरा जो केस है वो है शिफ्ट इन डिमांड, यानी मांग में विवर्तन, और इसको दूसरे नाम से भी हम लोग जानते हैं इंक्रीज एंड डिक्रीज इन डिमांड. जब प्राइस कांस्टेंट हो और अगर किसी भी फैक्टर में चेंज होने के कारण यदि उसी कीमत पर वस्तु की मांग बढ़ाई जाए या घटाई जाए तो उस स्थिति में शिफ्ट इन डिमांड की का सिचुएशन पैदा होता है, या इंक्रीज इन एंड डिक्रीज इन डिमांड इसको कहते हैं. इंक्रीज और डिक्रीज इन डिमांड और शिफ्ट इन डिमांड का जो दो मोस्ट इम्पॉर्टेंट फीचर है वो ये है कि इट हैपन ऑन टू डिफरेंट डिमांड कर्व्स एंड इट हैपन ओनली ड्यू टू चेंज इन द फैक्टर्स अदर देन प्राइस, यानी कीमत के अलावे अन्य किसी भी फैक्टर्स में चेंज होने के कारण ये इंक्रीज और डिक्रीज इन डिमांड होता है. यानी यदि उसी कीमत पर आपको मांगी गई मात्रा को बढ़ाना है या उसी कीमत पर मांगी गई मात्रा को घटाना है, जबकि कीमत स्थिर है, कीमत कांस्टेंट है, हो सकता है कि उसी कीमत पर उस उपभोक्ता को वो वस्तु पसंद आ जाए, या उपभोक्ता की आय बढ़ जाए, या उपभोक्ता की रुचि उस वस्तु में बढ़ जाए, या उस वस्तु का ट्रेंड हो, फैशन हो. तो कीमत के अलावा अन्य किसी भी कारण से यदि उपभोक्ता उसी कीमत पर उस वस्तु की मांग को बढ़ाता है तो दैट इज द केस ऑफ इंक्रीज इन डिमांड. और यदि उसी कीमत पर किसी अन्य कारक के कारण, आय घटने के कारण, ट्रेंड या फैशन नहीं होने के कारण, या रुचि नहीं रहने के कारण, अगर उपभोक्ता उसी कीमत पर उस वस्तु की मांग को घटाता है तो दैट इज द केस ऑफ डिक्रीज इन डिमांड एंड बोथ इज नोन एज शिफ्ट इन डिमांड. तो शिफ्ट इन डिमांड इज अ स्पेशल केस ऑफ डिमांड इन विच ए कंज्यूमर यूज टू इंक्रीज इट्स डिमांड और डिक्रीज इन इट्स डिमांड ऑन सेम प्राइस ड्यू टू चेंज इन द फैक्टर्स अदर देन प्राइस एंड वेन एवर कंज्यूमर ऑन ए फिक्स प्राइस ऑन सेम प्राइस यूज टू इंक्रीज इन डिमांड इन दैट सिचुएशन कंज्यूमर डिमांड कर शिफ्ट पैरेलली आउटसाइड और फॉरवर्ड एंड ऑन दैट सेम प्राइस ए कंज्यूमर विल एबल टू परचेज मोर क्वांटिटी ऑफ दैट गुड. क्यू से Q1 पर वो चला गया और हम देख रहे हैं कि वो पहले DD के मांग वक्र पर A बिंदु पे था, अब D1 पे वो B बिंदु पे चला गया. तो A से B की ओर जो ट्रेवल है इसको इंक्रीज इन डिमांड कहते हैं, यानी उसी प्राइस पे इसने कीमत मांगी गई मात्रा को बढ़ा दिया, दैट इज इंक्रीज इन डिमांड. अब डिक्रीज इन डिमांड, ये केस है डिक्रीज इन डिमांड का. डिक्रीज इन डिमांड जो है ये कब होता है, जब उसी प्राइस पर, देखिए कंज्यूमर पहले D1 डिमांड कर पर A पॉइंट पर था और वो OQ1 मात्रा खरीदता था, जब लेकिन इन सेकेंड केस कंज्यूमर डिमांड कर शिफ्ट बैकवर्ड और इनवर्ड पैरेलली ऑन दैट एंड ऑन न्यू डिमांड कर्व DD पर वो B बिंदु पर है, यानी वो उसी कीमत पर मांगी गई मात्रा को OQ1 से घटाकर
OQ कर देता है और इसको हम लोग डिक्रीज इन डिमांड कहते हैं। इस स्थिति में कंज्यूमर का डिमांड कर्व जो है वो इनवर्ड या बैकवर्ड शिफ्ट होता है और इसके कारण उपभोक्ता उसी कीमत पर वस्तु की कम मात्रा खरीदता है। तो वेन एवर कंज्यूमर यूज टू परचेज लेस और मोर क्वांटिटी ऑन दैट सेम प्राइस, दैट इज द केस ऑफ शिफ्ट इन डिमांड, एंड इन दैट सिचुएशन कंज्यूमर्स डिमांड कर्व शिफ्ट आउटसाइड और इनसाइड पैरेलली, एंड इट शोज दैट नाउ कंज्यूमर एबल टू परचेज सेम क्वांटिटी, इंक्रीज क्वांटिटी ऑन सेम प्राइस और डिक्रीज क्वांटिटी ऑन सेम प्राइस, एंड इट इज नोन एज इंक्रीज और डिक्रीज इन डिमांड और शिफ्ट इन डिमांड। इसके दो जो इम्पोर्टेंट फीचर्स हैं वो ये हैं कि इट हैपन ऑन टू डिफरेंट डिमांड कर्व्स एंड इट हैपन्स ओनली ड्यू टू चेंज इन द फैक्टर्स अदर देन प्राइस, यानी कीमत के अलावे अन्य किसी भी फैक्टर में परिवर्तन होने के कारण यदि उपभोक्ता वस्तु की मांगी गई मात्रा उसी कीमत पर बढ़ाती है या घटाती है तो उस स्थिति में उपभोक्ता का मांग वक्र विवर्तित होगा आगे की ओर या पीछे की ओर समानांतर रूप से, जो ये दर्शाएगा कि उपभोक्ता अब उसी कीमत पर वस्तु की कम या अधिक मात्रा खरीदने में सक्षम है। तो शिफ्ट इन डिमांड इज अ केस इन विच ए कंज्यूमर यूज टू इंक्रीज और डिक्रीज इट्स डिमांडेड क्वांटिटी ऑन दैट सेम प्राइस ड्यू टू चेंज इन द फैक्टर्स अदर देन प्राइस, एंड दैट इन दैट सिचुएशन कंज्यूमर्स बजट डिमांड कर्व वर शिफ्ट पैरेलली आउटसाइड और इनसाइड, विच शोज दैट नाउ कंज्यूमर एबल टू परचेज लेस क्वांटिटी और मोर क्वांटिटी ऑफ दैट पर्टिकुलर आइटम ऑन दैट सेम प्राइस, एंड इट इज ऑल्सो नोन एज द केस ऑफ इंक्रीज और डिक्रीज इन डिमांड और शिफ्ट इन डिमांड। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। इन सेवरल ईयर बोर्ड एग्जामिनेशन द क्वेश्चन वर आस्क, सो यू ऑल नीड टू बी अंडरस्टैंड इट, रिमेंबर इट एंड राइट डाउन इट इन योर फेयर नोटबुक। आई होप दैट यू ऑल अंडरस्टैंड मूवमेंट एंड एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन। थैंक यू, टिल देन टेक केयर, स्टे होम, सेफ होम।